Hello and welcome to Krishna Coaching. Welcome to this special session on mathematics. And the topic today shall be divisibility tests. थोड़ा सा हम prime numbers के बारे में discuss करेंगे पहले और फिर divisibility test के topic को करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, prime numbers के बारे में. मैं आपको एक question दिखाने जा रहा हूँ कि अगर आपको paper में ऐसा question आ जाए तो आप उसे कैसे handle करेंगे. कुछ नंबर्स आपको दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि आपको बताना है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स. एग्जांपल नंबर 4 आप लोगों के सामने है, उसको आप देखिए. ये देखिए, ये है एग्जांपल 4. नीचे सबसे नीचे देखिए, दिस इज द थिंग. ये देखिए, मिल गया. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स. सबसे नीचे देखो, 191 दिया है. 191, ठीक है. अब अगर आपको पता करना है कि whether 191 is a prime number or not, तो इसकी shortcut trick क्या है? नंबर दिए हैं 191, ये देखिए मैं यहां से पढ़ रहा हूं, 191, 241, 337 और 391. 191, 241, 337 और 391. हमें पता है 20 into 20 400 होता है, यानी कि 391 का अगर हम रूट निकालते हैं, ठीक है, तो वो लेस देन 20 होगा. पॉइंट समझ में आ गया? यानी कि जिन नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें से कोई एक 20 से कम होगा. तो आपको बस ये देखना है जो 20 से कम वाला नंबर किसी एक टेबल में 337 या 391 आता है या नहीं. समझ में आया? सबसे पहले हम 191 को देखेंगे. ये देखो, अब 14 को अगर हम 14 से ही मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है बताओ जी? 14 14 का क्या होता है आपको पता है? 15 196. व्हाट इज 14 स्क्वायर? 196. और ये नंबर है 191. तो जाहिर सी बात है कि 14 जो सॉरी 40 द्वारा लिखता हूं मैं इसको, ये नीचे है, ठीक है. ये देखिए, हमें पता है 14 स्क्वायर इक्वल्स टू 196, या ऐसे भी कह सकते हैं 196 का रूट जो है दैट इज लेस देन 14. तो ऑफ कोर्स 191 के जो फैक्टर्स हैं उसमें कोई एक फैक्टर 14 से कम जरूर होगा, तो उन्हीं से चेक करना है हमें. अब 14 से कम वाले प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 191, ठीक है, 13 तक. इनमें से किसी टेबल में आता है चेक कर लो. 2 का तो क्लियर ही है नहीं आता, क्योंकि 2 के टेबल में जो नंबर आते हैं उनके एंड में या तो 0 लगा होगा, 2 लगा होगा, 4, 6 या 8. तो 191 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. अब आ जाओ 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट. इफ द सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स is divisible by 3, then the whole number is divisible by 3. ठीक है, तो 1 or 9, 10, 9 or 10 or 1, 11. तो 11 जो है वो 3 से divisible नहीं होता. इसका मतलब this number is not divisible by 3. समझ में आया? फिर आ जाओ 5, जिसके आखिरी में 0 लगा है या 5 लगा है, केवल वही divisible होता है, ठीक है, तो 5 के रोल में नहीं आया. अब आ जाओ 7, समझ करके देख लो, 7 2 14 51, ये भी नहीं आएगा. 11 से भी नहीं हो रहा, क्यों? 11 से जब हम काटेंगे तो नीचे क्या आएगा? 8 आएगा, 81 बन गया, नहीं आ रहा, ठीक है. फिर आ जाओ 13 से करके देख लो, 13 बन जा 13, 61 बना, नहीं आ रहा. तो ये इनमें से किसके टेबल में आ रहा, तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या बना? 191 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द, इट मींस इट इज अ प्राइम नंबर. देयरफॉर 191 इज अ प्राइम. अब करते हैं 16 से, क्योंकि ऐसे से 241 तक देखना है हमने. हमें पता है 16 into 16 equals, जल्दी बोलो, 256. और ये 256 से कम है, क्योंकि 15 into 15 अगर हम करते हैं तो वो 225 होता है. क्लियर? तो जाहिर सी बात है कि ये 16, इसका रूट जो है वो 16 से कम, यानी 16 से कम वाले जितने प्राइम नंबर्स हैं उनका चेक कर लो, क्या किस टेबल में आता है. अगर नहीं आता तो ये प्राइम है.
इससे पता चलता 241 भी प्राइम है, ठीक है। और ये देखो अब 337 हमें पता है 20 × 20 जो है वो 400 है, ठीक है। तो सीधा 20 से कम वाले सारे प्राइम नंबर्स की लिस्ट बना लो, ठीक है। हमने यहाँ 19 ही किया जबकि, ठीक है जी, तो उनमें से किसी के टेबल में नहीं आ रहा, इसका मतलब 337 इज अ प्राइम नंबर। अब 391 17 के टेबल में आ रहा है, इट इज नॉट प्राइम। अब ये क्वेश्चन तभी अच्छे सॉल्व होंगे जब आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छा है। अब मैं आपको सभी डिविजिबिलिटी टेस्ट कराने जा रहा हूं। लेट्स स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। सबसे पहले ये फैमिली है 2, 4, 6, 8, 16, 32। काम आने वाले सिर्फ सिक्स गलत लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16, 32 का परिवार। मेनली 2, 4, 8 ही, 2 और 4 ही मेनली यूज होते हैं, ठीक है जी। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट वन डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। जैसे नंबर है 1896312984512673452। अब बताओ क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, इतना बड़ा नंबर। हमने क्या देखा, सिर्फ लास्ट। हमने क्या देख रहा है, नंबर फाउंड बाय। मैं जानबूझ ये लंबी लाइन बोल रहा हूं, मैं ये भी बोल सकता था आखिरी का नंबर अगर 2 के टेबल में आता है तो नंबर डिविजिबल बाय 2, ये भी सही है, पर ये देसी है। पर मैं फॉर्मली क्या बोल रहा हूं, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट वन डिजिट ऑफ द नंबर इफ इज डिविजिबल बाय 2, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कुछ कारण है मैंने इसे बोला। अब जब 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, अब बताओ क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। अब देखेंगे लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, वो बन गया 52। Is 52 divisible by 4? Yes. 4 ones are 4. 1 आ गया, 2 आ गया, 4 threes are 12. Yani fully divisible, 12 हो गया, ठीक है, sorry. ये 12 हो गया, और remainder 0. तो हमने starting वाले digits को देखने ही नहीं है, सिर्फ 2, last 2 digits देखने हैं, जब 4 का divisibility test, फिर से बोल रहा हूँ, 2 के divisibility test में number found by the last digit, 4 के divisibility test में number found by last 2 digits, okay? और 8 में last के 3 digits, clear? और आगे चलते हैं, ठीक है जी, wait. नेक्स्ट, अब आप देखिए, ठीक है, मैंने बताया 2 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसमें लास्ट का 1 डिजिट देखना है, 4 के डिजिट टेस्ट में लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, 8 के में 3 देखने हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, 16 के में आखिरी के 4 डिजिट देख लो बस, ठीक है जी। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, 2, 5, 8, 9, 6, 3, 2, 0. Is this number divisible by 8? Is this divisible? Yes, sir. हम क्या देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे, क्या 320 8 से divisible है? हाँ, 8 4 32, 0, 40 is the answer. यानी कि yes, this whole number is divisible by 8. Is this number divisible by 4? अगर कोई number 8 से divisible है, क्योंकि 4 is a factor of 8, तो पक्की बात है वो 4 से divisible होगा, ठीक है? 4 5 are 20, last के 2 digit, 4 में last के 2 digit देखने, और 0, ये 2 से divisible। अब क्या आप बताओ 16 से divisible है, जल्दी बताओ, last के कितने digits देखने हैं, अब 6 3 2 0, बताओ डिविजिबल है 16 से? क्या ये 16 से डिविजिबल है?
मुश्किल है। क्योंकि 16 4 64 होता है, इसलिए मुश्किल लग रहा है मुझे। 16 3 क्या होगा? 48। तो 48 ठीक है। तो वैसे अगर छोटा करना है तो 4 से काट के देखना चाहे तो ठीक है। अगर हम चलो काट करके करते भी ऐसे तो 16 से जब काट रहे 16 3 48 हो जाएगा। 48 हो गया तो क्या बचा? ठीक है 15 152 बन गया, तो नहीं कट रहा। समझ में आ गया? लो असली फॉर्मूले तरीके से भी कर रहे हैं। 4 से काटो 4 4 16 4 से कटेगा 4 15 60 32 4 8 32 1580। अब क्या ये 4 से डिविजिबल हो रहा है? होगा होगा, फिर गलती की है हमने। और जब हमने 4 से काटा था वेट 32 ये फिर 16 से होना चाहिए। अच्छा 6 3 2 0 किया ना हमने, ये देखो 16 से डिवाइड करके देखिए इसको 6 3 2 0 16 3 48 ये हो गया 152। हाँ जी बहुत सिंपली वैसे कर दिया ना, ये कटेगा 380। ये 8 आएगा यहाँ है ना, 8 आ रहा है 8 जा नहीं 8 नहीं आएगा। नहीं 4 से कट गया ये है ना, तो अब 16 से ये भी कटना चाहिए फिर ठीक है। अगर हम इसे 16 से करते हैं ठीक है और पूरा पूरा कटेगा तब मजा आएगा। देखो 16 152 बताओ किस जाएगा जी 16 9 16 9 144 sir 80 will be there and it will be 5 144 5 yes sir 16 5 आपका हो जाएगा ये 80 आ रहा ना 80 हो गया और ये पूरा कट गया। समझ में आ गया? तो 6 3 2 0 ये 16 से भी डिविजिबल है ठीक है, ये 8 से भी डिविजिबल है ठीक है, और ये 4 से भी डिविजिबल है। 4 में आखिरी के 2 डिजिट देखेंगे, 8 में आखिरी के 3 डिजिट देखेंगे और 16 में आखिरी के 4 डिजिट देखेंगे। ये रूल है डिविजिबिलिटी टेस्ट का। तो 2 4 8 16 16 2 4 8 16 का परिवार 32 बीसी में आ जाएगा। इसमें आखिरी का 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट ओके। जैसे जैसे मल्टीप्लाई बाय 2 बढ़ता जाएगा ये बढ़ते जाएंगे। अब आता है 3 का 3 9 27 का परिवार 3 1 3 2 3 3। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 27 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 27। ये 3 रूल्स हैं। नंबर है 2 4 8 9 3 6 5 4 1 2 8 ठीक है। अब बताओ क्या ये 3 से डिविजिबल है? 2 और 4 6 6 और 8 14 14 और 9 23 23 और 3 26 26 और 6 32 37 41 42 44 44 और 8 52। अब 5 और 2 को भी ऐड कर लो 7। इज 7 डिविजिबल बाय 3? 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर दिस होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 ठीक है। लेकिन हमें पता है कि अगर ये 54 बन जाता तो 5 और 4 9 हो जाता,
यानी दो नंबर भी अगर हमें और ऐड हो जाते हैं, यानी इस पूरे नंबर में यहां 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 कहीं पर भी आप दो नंबर लिख दो, या तो दो बार वन लिख दो, कहीं पर भी दो बार वन लिख दिया, एक बार यहां लिख दिया एक बार यहां लिख दिया, या फिर और कहीं पर भी टू लिख दो, या कहीं पर भी फाइव लिख दो, क्यों टू प्लस थ्री, थ्री थ्री का ही फर्क होगा, या फिर एट लिख दो क्योंकि फाइव प्लस थ्री एट। समझ में आया? कहीं पर भी दो बार वन लिख दिया, वन वन, ठीक है, एट प्लस थ्री इलेवन लिख दिया, इलेवन लिख दो, एट लिख दो, फाइव लिख दो, टू लिख दो, या वन और वन दो अलग जगह पे लिख लो, ऐसा कुछ भी कर दो, ये नंबर डिविजिबल बाय थ्री बन जाएगा। क्यों? फिर इनका सम ऑफ डिजिट्स 54 हो जाएगा, और फाइव ऊपर नाइन है, नाइन डिविजिबल बाय थ्री। इज माई पॉइंट क्लियर? अब क्वेश्चन है, नाइन नाइन टू एट वन सिक्स, अब बताओ इज इट डिविजिबल बाय थ्री, जल्दी बोलो। नो सर। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट लीस्ट वैल्यू, व्हाट मिनिमम एंड व्हाट मैक्सिमम वैल्यू कैन बी असाइन टू एक्स सो दैट दिस नंबर बिकम्स डिविजिबल बाय थ्री। आंसर दो, मिनिमम एंड मैक्सिमम, व्हाट मिनिमम वैल्यू कैन बी गिवन टू एक्स एंड व्हाट मैक्सिमम वैल्यू कैन बी गिवन टू एक्स। मिनिमम क्या आंसर है? वन। मैक्सिमम क्या है? बताओ जी आंसर। अगर हम यहां फोर लिखते हैं तब भी बात बन सकती है, अगर हम यहां पर सेवन लिखते तब भी बात बन जाएगी, तो इसका आंसर सेवन होगा। वन प्लस थ्री फोर, ठीक है, वन प्लस थ्री प्लस थ्री सेवन, क्योंकि देखो ना तीन का पहाड़ा है वो तीन तीन के फर्क में चलता है, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, डिफरेंस तो थ्री थ्री का ही आ रहा है ना सब में। समझ में आया? तो अगर हम वन लिखे तब भी डिविजिबल है, यहां पर लिख दिया हमने, इस नंबर को बना दिया नाइन टू एट वन सिक्स वन, नाउ दिस नंबर डिविजिबल बाय थ्री। इसके बाद अगला जो डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा? 928164, क्योंकि जो टेबल चल रहा है उसके हिसाब से तीन तीन का फर्क आता है। समझ में आया? इसका अगला नंबर जो डिविजिबल होगा वो होगा 928167। मेरा पॉइंट समझ में आया आपको? इज माय पॉइंट क्लियर? तो इसका आंसर हो गया मिनिमम वन मैक्सिमम सेवन। ओके, अगला, what minimum and what maximum value should be given to x so that it is divisible by 2? अब देखते हैं कौन आंसर देगा। What minimum and what maximum value should be given to x so that the number is divisible by 2? जल्दी बोलो, जल्दी आंसर। मिनिमम तो है जीरो, मैक्सिमम, मैक्सिमम है एट, बिल्कुल सही जवाब है। ये पॉइंट समझ में आया? ओके, अब बताओ टू की जगह पे आंसर कर है फोर, अब आंसर दो मिनिमम मैक्सिमम का। व्हाट मिनिमम एंड व्हाट मैक्सिमम वैल्यू कैन बी गिवन टू एक्स सो दैट इट इज डिविजिबल बाय फोर। अब हमें लास्ट के दो डिजिट्स देखने हैं, भूल जाओ इससे पहले वालों को। मिनिमम हो जाएगा जीरो, मैक्सिमम हो जाएगा क्या? फोर फोर का गैप है क्योंकि 60, 64, 68, ठीक है, ये तीनों के तीनों, अगर किसी नंबर के आखिरी में 60 है, किसी नंबर के आखिरी में 64 है, या किसी नंबर के आखिरी में 68 है, ये सब फोर से डिविजिबल है। अब बताओ मिनिमम क्या, मैक्सिमम क्या? व्हाट मिनिमम वैल्यू कैन बी गिवन टू एक्स एंड व्हाट मैक्सिमम वैल्यू कैन बी गिवन टू एक्स। कम ऑन, इतना सिंपल कर दिया,
कम ऑन, शर्म करो यार। ये क्वेश्चन है 92816x, व्हाट मिनिमम एंड व्हाट मैक्सिमम वैल्यू कैन बी गिवन टू x सो दैट द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो हमने आखिरी दो डिजिट देखने होते हैं 4 में, ये वाले, तो या क्या बन सकता है ये 60, 60 डिविजिबल बाय 4, 60 के बाद अगला डिविजिबल नंबर कौन सा आएगा, 64, क्योंकि 61, 62, 63 इसमें से कुछ भी डिविजिबल बाय 4 है ही नहीं। चार के पहाड़े में चार चार के तो फर्क होता है, 4 वन जार 4, 4 टू जार 8, और 4 और 8 में कितना फर्क है, 4, 4 थ्री जार 12, तो 8 और 12 में कितना फर्क है, 4, 4 फोर जार 16, तो 12 और 16 में कितना फर्क है, 4, तो ऐसे ही चार चार का फर्क, 60, 60 प्लस 4 64, 64 प्लस 2 64 प्लस 4 68, 60, 60 प्लस 4 64, 64 प्लस 4 68, इज माय पॉइंट क्लियर, बच्चों समझ में आ रहा है? Sir, can you please tell how we calculate maximum value again? कहते जी ये देखो 92816x है ना, ये देखो 92816x, क्वेश्चन ये है व्हाट मिनिमम एंड व्हाट मैक्सिमम वैल्यू शुड बी असाइन टू 2x so that it is divisible, so that it is divisible by 4, ये क्वेश्चन है। 4 का divisibility test ये था, if the number formed by last two digits is divisible by 4, then the whole number is divisible by 4, याद आ गया? अब यानी 6 के आगे कुछ लगाना है, पहले देखो क्या क्या लग सकता है 6 के आगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 9, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, और 6, और 6, ओके? अब इसमें से 4 से divisible कौन-कौन से हैं? इसमें कौन-कौन से आप कहोगे 4 से divisible हैं? बताओ जी, सबसे पहले तो, 4 से divisible होगा 60, because 15 fours are equals to 60. अगला divisible आएगा 64, because 16 fours are equals to 64. अगला आएगा 68, because 17, because 17 fours are 68. समझ में आया? So x की जगह पे 0 भी लिखा जा सकता है, और x की जगह पर 8 भी लिखा जा सकता है, तो आंसर आ गया मिनिमम 0 मैक्सिमम 8। किसको समझ नहीं आया मैं दोबारा बताऊंगा, सबको समझ आ गया? यस सर, आ गया। पक्का? हां जी। चलो कहानी में ट्विस्ट लेके आऊं, कहानी में ट्विस्ट लेकर आते हैं, ये है कहानी का ट्विस्ट 5। अब बताओ आंसर, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको, और मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम इज 5, क्योंकि 5 से डिविजिबल वही होता है जिसके आखिर में क्या 0 लगाया या 5 लगाया, समझ में आया? तो मिनिमम और मैक्सिमम का आंसर निकालना कितना आसान हो गया देखो, ठीक है, कि मिनिमम हो गया 0 और मैक्सिमम हो गया 5, क्लियर? अब करते हैं कहानी में एक और ट्विस्ट, कहानी में एक और ट्विस्ट, कहानी कुछ इस प्रकार घूम गई, टक टक, कहानी ये है by 8। अब बताओ व्हाट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन बी गिवन टू x सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 8, जिन्हें जवाब दिया मिनिमम 0 मैक्सिमम 8, आंसर इज राइट, 8 से देख रहे हैं ना, 8 टू 16 होता है 20, 8 टू 20 160 होगा, हमने तीन डिजिट देखने हैं, 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट्स आपको देखने हैं, 160,
इसके बाद अगला डेसिमल कौन सा आएगा 168, 8 का फर्क होना चाहिए ना। पॉइंट समझ में आ गया? पक्का आज की क्लास पुष्टि तो नहीं लग रही, टेक्निकल तो नहीं लग रहा? चलो फिर अगला क्वेश्चन का जवाब दो फिर। ठीक है, व्हाट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन, अब कहानी में कुछ प्यारा सा ट्विस्ट लेके आने की जरूरत पड़ रही है मुझे। हाँ बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा। अभी देखना मैं क्या करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। टक 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 टक। चलो अब देखो क्या होने वाला है। कहानी कुछ ऐसे घूम रही है, इसको हम करते हैं फिर से ऐसे और इसको करते हैं हम जीरो। ओके अब एट आंसर करो। सिक्स एक्स जीरो, एट में आगे तीन डिजिट देखते हैं। व्हाट मिनिमम एंड व्हाट मैक्सिमम वैल्यू कैन बी गिवन टू एक्स सो दैट इट इज डिवाइडेड बाय एट। मिनिमम फोर बोला, मिनिमम बोला फोर, चलो क्यों 640 ठीक तो है, 640 बन गया डिवाइड बाय 8, 8 इज़ 64। अब मैक्सिमम क्या होगी बताओ, मैक्सिमम भी फोर ही होगा तो किधर ना, देखो ना 650 हो गया, अगर 650 660 670 680 कुछ भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला तो फिर 720 बनेगा फिर, और तो 7 में ये चेंज हो रहा है तो 80 का फर्क आना चाहिए ना। अब 640 में क्योंकि यहाँ पे जीरो पहले से आ गया तो फिर तो 10 से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है। अब 80 हो गया तो 80 का फर्क क्या होगा 720, तो ये डिजिट चेंज हो गया वो पॉसिबल नहीं है। पीछे जा सकते हैं हम, 80 पीछे करेंगे तो क्या होगा 560 बन जाएगा, तो भी डिजिट चेंज हो गया। समझ में आ गया 5 कैसे आ गया, तो इसलिए मिनिमम मैक्सिमम दोनों का आंसर होगा 4। इज माय पॉइंट क्लियर? चले आगे, तो मैंने आपको बताए हैं। अच्छा एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो नया क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है 128976 8x, व्हाट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन बी गिवन टू एक्स सो दैट इज डिवाइड बाय 9। 9 में देखना होता है सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय 9 है या नहीं। 1 or 2, 3, 3 or 8, 11, 11 and 20, 27, 33, 33 plus 8 is 41। अभी 41 बन गया है। अब 9 से डिविजिबल, इसमें क्या ऐड करें कि 9 से डिविजिबल आ जाए, हो जाए। आंसर इज 4, मिनिमम हो जाएगा 4, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम भी 4 ही होगा, क्योंकि 4 में अगर प्लस 9 करेंगे तो 13 बन जाता है, फिर ये नंबर चेंज हो जाएगा हमारा, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मिनिमम भी 4 है और मैक्सिमम भी 4 है। ये पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया बच्चों, जवाब दो। यस सर। सबका जवाब नहीं आ रहा मुझे, दीक्षिता आ गया समझ? आ गया सर, बोला मैंने यस। मैंने बता दिया आपको 2, 3, 4, 5। अब मैं 5, 25, 125 का परिवार कराऊंगा, 5, 25, 125 का परिवार। 5 का डिविजिबल टेस्ट क्या है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट वन डिजिट इज डिविजिबल बाय 5, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 25 में इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट टू डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 25, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 25। और 125 में आ जाएगा 3,
If the number formed by last three digits is divisible by 125, then the whole number divisible by 125. अब जैसे number है हमारा 750. Is it divisible by 5? Yes, sir. Answer is yes. क्यों? 0 is divisible by 5. Is it divisible by 25? Yes, sir. Because 50 is divisible by. Is it divisible by 125? Yes. Yes. So there 125 plus 125, 250 hota hai. Or 250 into 3, 750 hota hai. Clear? Okay. Change karte hai. 850. Is this number divisible by 5? Yes. Yes. Zero dekhenge. Is this number divisible by 25? Yes. Ab do digit dekhenge, 50. Answer is yes. Is this number divisible by 125? Answer is no. No. Answer is no. Clear? Samajh mein aa gaya? Chalo, aur aage chalte hain. Ab maine kara diya aapko 2, 3, 4, 5, 6 ka nikalwaya. 6. 6 ke को प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2 और 3. ये दोनों प्राइम भी हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 बनता है. ऐसे 12 के को प्राइम नंबर्स हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है? 3 और 4. अगर एक नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा. अगर एक नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. अब को प्राइम क्या होता है? Nothing should be common between these two numbers except one. 2 क्या है? 2 into 1. 3 क्या है? 3 into 1. अब 4 prime number नहीं है, लेकिन 3 से मिलता जुलता सिर्फ एक ही है 1. 3 कैसे बनता है? 3 into 1. 4 कैसे बनता है? 2 into 2 into 1. तो common से 1 ही आ रहा है ना, तो ये co prime numbers होंगे. ये 3, 4 जा 12 होता है. अगर एक number 3 का divisibility test और 4 का divisibility test दोनों clear कर ले, इसका मतलब 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 12 आल्सो. इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6. ओके, नंबर है 129686x. अब बताओ व्हाट मिनिमम एंड व्हाट मैक्सिमम वैल्यू कैन बी असाइंड टू x सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 6. 6 से डिविजिबल बनाने के लिए x को क्या छोटी से छोटी और क्या बड़ी से बड़ी पावर दी वैल्यू दी जा सकती है? मिनिमम 0, मैक्सिमम, मैक्सिमम बोलो, मैक्सिमम जल्दी बोलो, 6. गैप तो 6 का होना चाहिए ना, ठीक है? 0 प्लस 6 6 होता है, ठीक है ना जी? तो 0 एंड 6 इज द आंसर. समझ में आया? अब कहानी पे ट्विस्ट लेकर आते हैं. व्हाट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, कैन बी, देखो इसमें क्या करना होता है. वैसे पूरा लंबा तरीका करने का ये है कि ये तो हमने बड़े शॉर्टकट में कर दिया ना. इसको देखो आखिरी में, अगर इस क्वेश्चन को यहां लिखता हूं दोबारा से, सोचो 12986 था ना, 129686x. अब हमने x की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी है, ठीक है? अब बताओ 2 से डिविजिबल हो जाए ये नंबर, तो बताओ मिनिमम मैक्सिमम क्या आंसर होगा? मिनिमम क्या होगा? 0 और मैक्सिमम 8. अब 0, 2, 4, 6, 8 दो दो गैप, इनमें से कुछ भी लिख लो 2 से डिविजिबल हो जाएगा. सबसे छोटा है 0, सबसे बड़ा है 8. अब 3 का बताओ, 0,
9 और बीच नंबर दो कौन से हो गए 0, 3, 6, 9. अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है 0 और कॉमन आ रहा है 6 0 और 6 इसलिए आंसर बन गया क्या आंसर 0 और 6 बना समझ में आया यह लंबा तरीका चले आगे और आगे चले अब मैंने जो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करा दिए 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 8 का 9 का अब आ जाओ 10 का डिविजिबल वही अगर एक नंबर 5 और 2 दोनों से डिविजिबल है तो वो 10 से डिविजिबल होगा और अगर देसी तरीके से करना है जिसके आखिर में 0 लगाया है वो 10 से डिविजिबल है सिंपल ओके वैसे लंबा तरीका है ये 5 और 2 बिकॉज 5 और 2 क्या है को प्राइम नंबर्स अब सबसे प्यारे वाला तरीका आ रहा है वो है वो हम कल की क्लास में करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ करवा दूं क्या चलो आज ही करते हैं 2 मिनट का टाइम लगेगा नंबर है 2896314219 अब ये नंबर है बताओ इज इट डिविजिबल बाय 11 इसको करने का तरीका क्या है सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन इवन प्लेसेस चालर झालर बनाओ 2 9 एक छोड़ के एक और फिर ऐड करो और फिर ऐड कर दो ठीक है 2 और 9 11 11 3 देखो 2 और 9 11 11 3 14 14 4 18 18 1 19 19 और 9 28 लिख दो 28 अब माइनस क्या करना है हमने इवन प्लेसेस वाले वो कौन से हैं 8 और 6 14 15 17 25 इनका गैप आ गया 3 एंड 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 11 देयरफॉर द होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय अब यहां पर x है What value should be given to x so that the number becomes divisible by 11? यानी 8 में अब कुछ ऐड करना है ये 25 में अब बताओ x what minimum value and what maximum value can be assigned to x so that the number becomes divisible by 11? देखते हैं कौन पहले जवाब देगा 8 अगर कर दिया तो ये 25 प्लस 8 हो जाएगा 33 हो जाएगा और 28 माइनस 33 हो जाएगा 5 और 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 11 जल्दी देखते हैं जो जवाब देगा टॉफी नाम जो पहले सही जवाब देगा टॉफी इनाम कितना बड़ा इनाम है जल्दी बोलो कम ऑन क्या बोला 14. अरे डिजिट बोलना है कम ऑन क्या हुआ बच्चों चलो ऑप्शंस है ए बी सी डी 1 2 3 4 अब बताओ इनमें से कोई एक आंसर है रॉन्ग आंसर कम ऑन 3 इज द राइट आंसर क्यों अगर हमने यहां 3 लगा दिया तो ये 25 यहां पर हो जाएगा 28 28 माइनस 28 0 11 0 0 0 इज डिविजिबल बाय 11 डिविजिबिलिटी टेस्ट 12 तक के आपके हो गए हैं क्लियर अगले सेशन में इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा ओके अब हम इस क्लास को एंड करने जा रहे हैं आपको असाइनमेंट मिल गया है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का उसको सॉल्व कीजिए थोड़ी देर में आपको उसके आंसर मिल जाएंगे ओके बाय बाय सी यू May God bless you all. Okay? See you.